हेलो गाइस, पैरंगुड़ी दीजिए मेरी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सोनी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे मार्वल सोनी की नई अपकमिंग मूवी के बारे में। तो फिलहाल ये अपडेट आया है सोनी की तरफ से और ये एक रूमर है, कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है। आप सभी जानते हो कि सोनी और मार्वल के बीच में डील हुई थी जिसमें कि मार्वल पूरा फोकस कर रहा है स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को लेकर, जिसमें कि वो स्पाइडरमैन की मूवी बनाएगा और जो भी प्रॉफिट होगा वो सोनी और मार्वल आपस में शेयर करेंगे। बट अभी हाल ही में कल का जो इंटरव्यू हुआ था जिससे कि पता चलता है कि मार्वल का कितना ज़्यादा फोकस है स्पाइडरमैन को लेकर, उन्होंने बताया, टॉम हॉलैंड ने अपने इंटरव्यू में, कि मुझे थर्ड पार्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी कास्ट होगी, स्क्रिप्ट क्या रहेगी और कौन सा विलन रहेगा। उन्होंने ऑल अबाउट बोला स्पाइडरमैन 3 के बारे में और आपको पता है उसकी रिलीजिंग डेट भी है स्पाइडरमैन की, यानी कि वो ऑफिशियली कन्फर्म है और पूरा फोकस मार्वल का है। पर ऐसा मत सोचना कि सोनी भी कहीं ना कहीं पीछे है। तो सोनी ने ये डिसाइड करा था कि वो विलेंस के ऊपर पूरा यूनिवर्स खड़ा करेगा। जी हाँ, तो ये आइडिया उनको अच्छा नहीं लगा, पर वेनम के रिलीज होते ही ये आइडिया सबके दिमाग में बैठ गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो सोनी ने सबसे पहले रिलीज करी वेनम, फिर उसके बाद मॉर्बियस, फिर वेनम 2, फिर उसके बाद आप जानते हो कि केविन द हंटर, स्पाइडर वूमैन और फिर सिल्वर एंड ब्लैक जो कि डेवलपमेंट में है मूवी, और भी काफ़ी सारे विलेन, डॉक्टर ऑक्टेवियस जिसका भी अपडेट आया था कि उसके ऊपर भी एक मूवी बनेगी। पर फिलहाल अपडेट ये आया है सोनी की तरफ से, जो रूमर है कि वो मिस्टीरियो के ऊपर भी एक सोलो मूवी बनाना चाहती हैं। जी हाँ, और मिस्टीरियो की स्टोरी बताना चाहते हैं और वो कैसे और अच्छी तरीके से बेस्ट विलेन बन सकता है अपनी ओरिजिन में। तो ये काफ़ी कमाल का रहेगा और आने वाले टाइम में ये भी कनेक्टेड होगा पूरा यूनिवर्स मार्वल के साथ। और अभी हमें काफ़ी सारे रेफरेंस भी देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है, जिसमें कि मॉर्बियस में हमें रेफरेंस देखने को मिले, वेनम में रेफरेंस देखने को मिले कि वेयर इज स्पाइडरमैन। तो कहीं ना कहीं मल्टीवर्स का हो सकता है या सिनिस्टर सेट मूवी आने वाली कनेक्टेड हो सकती है। अगर मिस्टीरियो के ऊपर सोनी मार्वल ऑफिशियली मूवी बनाता है तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज होगा मार्वल फैंस के लिए, क्योंकि हमने जो फार फ्रॉम होम में देखा कि मिस्टीरियो मर चुका है, फिर बाद में एक वायरल वीडियो आती है जिससे काफ़ी सारी थ्योरीज आ रही थी। पर अगर मिस्टीरियो हमें सोलो मूवी में देखने को मिलता है जो कि सोनी की तरफ से होगी ऑफिशियली, तो ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये रूमर सच हो और मिस्टीरियो के ऊपर एक सोलो मूवी बने जिसमें कि जैक को भी एक अपना काम दिखाने का मौका मिले, जो कि काफ़ी कमाल के एक्टर हैं जो कि हम फार फ्रॉम होम में देख चुके हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि मिस्टीरियो के ऊपर सोलो मूवी बने। आप चाहते हो या नहीं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देखकर पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या दोस्तों स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।